मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के 812 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। इन्हें 3 माह से वेतन नहीं मिला है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि 3 माह से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और जब वेतन मिलता भी है तो 2 किश्तों पर मिलता है। इसके चलते आर्थिक परेशानियां और भी पड़ गई हैं। वहीं वेतन न मिलने के कारण इस महंगाई के दौर में परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने काम बंद करने की भी चेतावनी दी है। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। हम सभी लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एकत्र हुई है संयुक्त जिला कार्यालय कलेक्टर कार्यालय में। हम लोगों को 4 महीने का मानदेय नहीं मिला हुआ है। हम सारी बहनें हम आर्थिक रूप से तो पहले ही बहुत कमजोर हैं, जिसमें कि ग्रामीण महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उन लोगों को मीटिंग में और कहीं भी जाना रहता है तो उन लोगों को पैसा लगता है, जिसकी वजह से वो लोग अपना घर का और बाहर का दोनों का काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मानदेय आ जाए और ताकि हमारे बच्चों को एजुकेशन हम अच्छा दे सके। 4 महीने से हमारे बच्चे पढ़ने नहीं गए, 4 महीने से हम लोगों का सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। हम इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 3 महीने से हम लोगों का मानदेय नहीं आया। 4th महीना लग गया अभी फरवरी का। अब यहाँ कार्यकर्ता सहायिका का तो सब इसी के ऊपर चलता है। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे कि जिसका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है सहायिकाओं का। हम ये चाहते हैं कि हमारी मतलब जो मानदेय है, पेमेंट है, वो जल्दी से जल्दी दिया जाए, और नहीं होगा तो हम आगे फिर वो करेंगे, तालाबंदी हड़ताल करेंगे। ये हमारे के 3 महीने से पेमेंट नहीं है, 4th महीना लग गया। हमें 8 दिन, 4 दिन, 20 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख ऐसे बताते हैं और हमारे को पेमेंट अभी तक के भी नहीं मिला है कुछ। अगला कदम हम ताले डालेंगे और बैठेंगे ना घर में। अब जब हमारे पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, कहीं आने जाने को नहीं, हमारे को यहाँ बुलाते वहाँ बुलाते, हमारे पास किराए तक को तो पैसा नहीं है। हम किसी से उधार मांगने को जाते हैं तो वो उधार भी हमारे को अब कोई नहीं दे रहा है। बोले तो हमारे को वही आदत है, बार बार मांगते हो, 8 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 3 महीने से चला रहे। बोले अब कुछ नहीं है हमारे पास तुम्हारे वास्ते। कहने की हमारी जो 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है और हमें हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं खटनार परियोजना से हूँ कार्यकर्ता और मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम करदली से हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि मैं परित्यक्ता हूँ और मेरे साथ में एक मेरी बहन है जो माइंड डिस्टर्ब है उसका, और मैं किराए के मकान में रहती हूँ। कि मुझे कोई दूसरा सहारा नहीं है, मुझे मेरी आर्थिक बहुत खराब हो रही है। मुझे हमें सर से विनंती है हमारे युवा कड़ों से कि हमारा जल्दी जल्दी मानदेय डालने की कृपा करें।